बस्मानी असला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताज़ा तरीन टोटके अगर खाना खाते वक्त जबान कट जाए तो जल्दी ऐसी कोई मीठी चीज़ खा लें आराम आ जाएगा अगर नमक में पानी मिला कर फरश धोया जाए तो मक्खियाँ और कीड़ों का खात्मा हो जाता है काम की ज्यादा ऐसी थकन महसूस हो तो दो बड़े चमच शहद एक गर्म पानी के ग्लास में डाल कर पी लें थकन दूर हो जाएगी जली हुई जगह पर शहद का लेप कर दे आराम आ जाएगा अगर आपके घर के दरवाजों पर जंग लग जाए तो काला तेल डालकर लोहे के ब्रश से रगड़े जंग साफ हो जाएगा कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गरम सर पर लगाने से नजला जुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है अगर आटे के ऊपर खुश्क तय जम जाती हो तो आटा गूनते वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लें। इस तरह आटे के ऊपर खुश्क तय नहीं जमेगी कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है बाल बनाने के बाद अपने टूटे हुए बालों का गुच्छा इधर उधर ना फेंके बल्कि इसे कचरे के डब्बे में या ऐसी जगह डाल दे जहाँ चूहे अक्सर हमलावर होते रहते हों। चूहे अपनी आदत के मुताबिक बालों को भी खा लेंगे जो उनके पेट में पहुंचकर उन्हें हलाक कर देंगे कलवंजी की धूनी देने से मच्छर और खटमल वगैरह मर जाते हैं आँखों में चोट लगी हो या तेज रोशनी बर्दाश्त ना होती हो या फिर आँखों में मैलापन आ रहा हो ऐसे में ठंडा दूध आँखों को आराम देता है नरम और साफ रुई को दूध में भिगो कर आँखों पर रखें। एक ही सांस में ठंडे पानी का गिलास पी लेने से भी हिचकी रुक जाती है मूली सेब के साथ नहीं खानी चाहिए क्योंकि सेब और मूली दोनों में ठंडक का असर होता है इसलिए सेब खाने के फौरन बाद मूली खाने से जिसम में बलगम भर जाता है ये हाजमे के मसाइल का सबब भी बन सकता है क्योंकि दोनों चीजें बादी होती हैं। बुध के दिन पैसे खर्च नहीं करने चाहिए वरना पूरे हफ्ते खर्च होंगे चाय के खाली टी बैग आँखों पर रखने से आँखों की थकन दूर हो जाती है कलवंजी को भून कर सूँघने जुकाम की शिद्दत में कमी आ जाती है क्या आप जानते हैं खारे पानी से ज्यादा लोग ताज़ा पानी में डूबते हैं चार पाँच दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं कुत बा को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए इसका बाकायदगी से इस्तेमाल अजवाजी जिंदगी को खुशहाल बना देता है सिर्फ एक चुटकी फटकरी और एक चुटकी नमक शैम्पू में मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर होती है कलवंजी को बादाम के तेल में मिलाकर रोजाना चेहरे का मसाज करें इसके अलावा ग्लैस्टिन में मछली का तेल या विटामिन ई ऑयल भी मिलाया जा सकता है मुनक्के खाने से नसें और पट्टे मजबूत होते हैं कमजोरी को दूर करता है गुस्सा ठंडा करता है और इसके अलावा चेहरे की रंगत निखारता है घुटनों टखनों और हाथों के काले पड़े हुए जोड़ों पर पेट्रोलियम जेली मले जल्दी निशान दूर हो जाएंगे टीन के बर्तन या सांचों को जंग से बचाने के लिए बगैर नमक वाला घी या चिकनाई मल कर रख दे नमक वाली चिकनाई लगाने से जंग का खतरा बढ़ जाता है कपड़ों पर रोशनाई का दाग लग जाने की सूरत में उबले चावल रगड़ने से दाग बा आसानी दूर हो जाते हैं स्याही के दाग पर नमक लगाकर रगड़ें, रगड़े दाग दूर हो जाएगा पीतल के बर्तन और गुलदान साफ करने के लिए इन पर संतरा काट कर बर्तन और गुलदान एकदम चमक उठेंगे सर्द मौसम में गर्म दूध में हल्दी और चुटकी भर नमक और गुड़ मिलाकर बच्चों को पिलाएं। इससे नजला जुकाम खांसी और सांस लेने में तकलीफ से राहत मिल जाएगी होंटों को फटने से बचाने और नर्मो मुलायम बनाने के लिए देसी मोम में लीमू का रस मिलाकर रगड़ें। अगर कोई बच्चा लोहे की सुई या फिर बारीक चीज निकल जाए तो इसको ज्यादा से ज्यादा केला खिलाना मुफीद है इसे मेदे में जख्म होने से इंसान बच सकता है बाद हजा डॉक्टर से रजू करें मिनटों में टेंशन दूर करने का तरीका टेंशन और डिप्रेशन कम करने के लिए अमले तनफुस यानी सांस की वर्जिश मुफीद है इसके लिए फजर का वक्त बेहतर होता है इस वक्त अमूमन धुआं और शोरगुल नहीं होता ये अमल करने के लिए छत या किसी हवादार कमरे में जाएं। पहले अपनी उंगली नाक के उल्टे नथने पर रखकर मामूली सा दबाएं और नाक के सीधी जानब से सांस लें आप सीधी तरफ दबाएं उल्टी जानब से सांस लें इस तरह कम अज कम तीस बार ये अमल करें इससे जायद भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है इससे इन आप टेंशन में कमी और काफी फरहत महसूस करेंगे गर्द गुबार में काम करने के बाद मोटरसाइकिल वगैरह चलाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए इससे दमे का खतरा टल जाता है अगर किसी जानवर का सींग टूट जाए या सर जख्मी हो जाए तो हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट तैयार करके सुबह शाम लेप करें जख्म चंद दिनों में ही इंशाल्लाह भर जाएगा अगर पाँव में दर्द रहता हो तो रोज़ाना पाँव के अंगूठों पर सरसों के तेल से मसाज कर लिया करें दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा मसूरों के अमराज और दांतों की मजबूती के लिए मूली को काली मिर्च लगाकर खाने से शफा होती है और दांत मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं अगर आपको बेख्वाबी की शिकायत हो तो सोने से एक डेढ़ घंटा पहले नीम गर्म पानी से गुसल कर लें नहायत पुरसकून नींद आएगी संतरे की गोलियाँ और बीमारियाँ खत्म ताज़ा संतरा कहीं रख दे पड़ा पड़ा सूख जाए तो इसे पीस कर शहद की मदद ऐसी इसके चने के बराबर गोलियाँ बना लें ये गोलियाँ हैजे कै मतली को खत्म कर देती हैं। रोजाना पाँच गोलियाँ खाएँ वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अपने नाश्ते और खाने में बंद गोभी शामिल करें बंद गोभी मोटापा कम करने का सबब बनती है अगर रोजाना दो सेब खाकर एक पाव दूध निहार मुँह पी लिया जाए तो एक महीने में इंसानी सेहत काबिल रश्क हो जाती है भूख में इजाफा करता है और वजन भी बढ़ाता है चेहरे पर सुर्खी लाने के लिए जबरदस्त है सिंघाड़े वजन कम करते हैं फालच और कैंसर से बचाते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन दवा के तौर पर काम करते हैं जों का आटा और कोकोनट मिल्क दो दो चम्मच एलोवेरा और अरके गुलाब एक, -एक चम्मच इन सब को मिक्स करके हाथ पर दो तीन मरतबा चेहरे पर लगाएं। चेहरे का रंग गोरा हो जाएगा हल्दी को दूध में मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लें पंद्रह मिनट रोजाना चेहरे पर लेप करें चंद दिन में दाने कील और महासो से निजात पाएं। कील महासों के लिए सेब की पतली कशे काट कर थोड़े से पानी में धीमी आंच पर गीला करके नरम गूदा सा बनाकर ठंडा होने के बाद चेहरे पर लगाएं। पंद्रह मिनट बाद चेहरा धो ले कील मुहासो से निजात मिल जाएगी गले में खराबी महसूस हो तो बारीक नमक उंगली से गले में अच्छी तरह लगा लें दिन में दो तीन बार ऐसा करने से फौरन तकलीफ रफा हो जाती है दिन में दो से तीन मरतबा और रात को सोते वक्त हल्दी का गाढ़ा लेप लगाए हल्दी में पानी मिलाकर लेप बना लें। पुराने से पुराना चंबल भी खत्म हो जाता है एक सब्ज इलायची और एक चुटकी पिसी हुई दालचीनी चबाकर एक गिलास दूध पिलाने से बच्चे का हाफजा इंतहाई तेज हो जाता है कलेजी खाने से दुबलापन दूर हो जाता है छः ग्राम अजवाइन रोज़ाना फाँकते रहने से गुर्दे और मसाने की पथरी बाहर निकल जाती है